This time I want you like it's the magic. Hi everyone, so today is 3rd of July. Happy July everyone. And guys, since it is summer now, मेरे neighborhood का friends वापस आ गया है या पर कोई नहीं है ना, मतलब summer की वही तो एक क्या बोलो बात है मुझे. As you can see that you know I have come after taking shower. Okay, बहुत you know today was my everything shower so बहुत क्या बोले फ्रेश फील हो रहा है ना नहा धो के. उससे पहले आई हैड माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लाइक मॉर्निंग का खाना खाया, फिर उसके बाद घर अच्छे से साफ किया, यू नो स्वेप्स द फ्लोर्स, मॉप द फ्लोर्स, एंड देन आई टुक शावर. सो फीलिंग रियली रिफ्रेश्ड. और आज का मौसम भी उतना धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, बट इट्स अ वार्म डे ओनली. ओके पर यहाँ गाइज आज मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं, बिकॉज अनदर थिंग इज मैंने क्यों 1 तारीख से व्लॉग नहीं किया बताऊँ, बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड्स. या पहले मुझे ऐसा बोलना थोड़ा सा शर्म लगता था, क्योंकि लाइक हमारी सोसाइटी में टैबू बना दिया ना कि ऐसे बातों को, लाइक oh, like you know you can't tell people like on your periods, like, you know you have to hide it, all that. But ऐसे मैं सोचती रही as I grew up, I'm like this is a natural cycle. इसमें शर्म की क्या बात है, like because women bleed, तभी तो ये क्या बोलो ये दुनिया में लाइफ है ना. If women didn't have menstrual cycle, there wouldn't be any life cycle. Okay, अब मैं थोड़ा सा deep जा रही हूँ, but yeah, ignoring all of that, ये मेरे पास एक क्ले मास्क है. अगर आप लोग ने मेरा पिछला वाला ब्लॉग कोई देखा होगा, उसमें मैंने ना मेरी सहेली अर्चना, उसने मुझे ये दिया था. ओके एंड आई थिंक मैंने इसको सिर्फ एक बार ही चलाया है, उसके बाद मैंने नहीं चलाया. तो या थोड़ा सा मतलब व्हाट आई वाज रियली ट्राइंग टू से इज दैट लेट मी डू सम स्किन केयर, बिकॉज यू नो जब हमारा पीरियड्स का टाइम होता है ना, लाइक वी फील अगली, वी फील ब्लोटेड, वी फील मतलब अपने आप को आईने में देखना भी मन नहीं करता है. आई डोंट नो लाइक गर्ल्स कैन रिलेट. ओके तो यू नो थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ केयर करके यू नो लेट्स मेक आवरसेल्व्स फील बेटर. गाइस मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कैमरा के स्क्रीन में देखकर ये लगाना. सो आई विल जस्ट यू नो अप्लाई दिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई विल बी बैक. चुजान आई एम बैक लुकिंग वेरी येलो है क्या ये कलर, हाँ बच्चा इसका स्मेल ना बहुत मे बी क्ले का बनाया हुआ है और समथिंग आई डोंट नो, बट बहुत मतलब ऐसा अर्दी स्मेल है इसका. तो यह इसको लगा कर आई एम गोना कीप इट फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स. उसके बाद मैं धो लूँगी. अभी ऐसा मुझे ना क्या बोलो कूल फील हो रहा है मेरे फेस को. आई विल सी यू ऑल आफ्टर 10 मिनट्स. चजान मैं बस अपना चेहरा धोकर आई हूँ एंड मतलब डिफरेंस तो पता नहीं क्या होगा होया है या नहीं हुआ है. ओके बट यू नो अपने आप को बहुत फ्रेश फील हो रहा है. ओ माय गॉड व्हाई एम आई लाइक ओके बट या अब मैं ना अपना रेस्ट स्किन केयर करूँगी, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वगैरह लगाऊंगी और फिर जस्ट कंटिन्यू विथ माई डे। हाय गाइस, सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। आज है आपका 4th of July एंड इट्स ऑल्सो अ थर्सडे, विच मीन्स कि मेरा आज व्लॉग भी अपलोड हुआ है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं फिर से बता देती हूँ दैट I upload twice a week, which is every Thursday and Sunday at 11 AM. Okay, if you guys want to watch my video, like you know, early on, कि आप लोग उस वीडियो को ताज़ा ताज़ा देखें तो you know पोस्टिंग टाइमलाइन को मत मिस कीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं क्या कहना चाहती थी, या सो बेसिकली आई थिंक दिस व्लॉग इज जस्ट गोइंग टू बी इंडोर और से लाइक होम व्लॉग ओनली, क्योंकि इस हफ्ता मेरा उतना ज़्यादा कुछ प्लान्स नहीं है। ओके, एंड इट्स ऑल्सो पीरियड वीक, सो I'm actually thankful that I do not have any plans this week, okay? But yeah, उसके साथ साथ मैंने अभी आज दिन को एक काम किया है, which is updating my planner for the month of July, okay? तो मैंने ना मतलब month of July के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ बनाया है, okay, अपनी planner में। So I'll just show it to you guys and जिसको journaling करना, इसे you know update करना अच्छा लगता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा idea भी हो जाएगा। So yeah, let me guys give you a brief tour of what I did today. Okay, so इस साइड को मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया है, ये जून का था ना, मतलब इस साइड को, पर I'm just covering it up, okay? So yeah, this is basically I have written 07 for the month of July 2024, okay? और फिर मैंने ना ये थोड़ा सा ऐसा मतलब ये सब बॉक्स बनाया है, which is to-do list for this month, कि मतलब you know what are the things that I need to do this month and all that, okay? फिर मैंने ऐसे साइड में ना थोड़ा थोड़ा स्टिकर वगैरह लगा कर, है ना, मेरे पास ये सनफ्लावर और ये लव वाला स्टैम्प भी था जो मेरा कज़न दोजी ने दिया था, है ना। एंड फिर ऑल द स्टिकर्स, कुछ मैंने खुद खरीदे, कुछ पेमा ने मुझे दिया था स्टिकर्स। और फिर उसके बाद नीचे में ना आई ऑल्सो मेड दिस यू नो काइंड ऑफ लाइक स्मॉल सेगमेंट्स, ये क्लाउड शेप में मैंने इसको डेकोरेट किया, कुछ लव शेप में, कुछ ऐसे मतलब यू नो ऐसे वैसे शेप में। एंड आई हैव ऑल्सो रिटन लाइक सर्टन थिंग्स लाइक व्हाट हैपन दिस मंथ, तो यहाँ पर ना मतलब मैं शायद मंथ के बीच में या फिर मंथ के एंड में आई एम गोना अपडेट यू नो एनी स्पेशल थिंग और एनी यू नो इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच हैपन दिस मंथ, ओके। और फिर इस लव वाले में आई हैव रिटन थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, सो आई विल ट्राई टू यू नो लाइक क्या बोलो थिंग, आई विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट एंड यू नो राइट द थिंग्स विच आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस मंथ, ओके। फिर उसके बाद यहाँ नीचे में आई हैव रिटन ओवरऑल मंथ रिव्यू, आई गेस दिस आई एम गोना डू लाइक यू नो अगेन मंथ के मिड में या फिर एंड में मैं मेरा महीना कैसा गया करके। एंड देन आउट हियर आई हैव मेड अ स्पेस फॉर वीडियोज़ टू फिल्म दिस मंथ, तो कुछ भी अगर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया होगा या फिर कुछ कोलैब वीडियो होगा या फिर कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा तो आई एम गोना राइट इट डाउन हियर सो दैट आई डोंट फॉरगेट, ओके। तो या आई जस्ट मेड दिस एंड यू नो बस बनाते बनाते तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बताती रहती हूँ कि यू नो लाइक आई एम नॉट वेरी क्रिएटिव, बट देन यू नो वेन एवर आई डू सर्टन क्रिएटिव स्टफ एंड आई लाइक इट, आई लाइक इट मेक्स मी रियली हैप्पी, ओके। तो फॉर दोज पीपल यू नो जिसको भी ऐसा करना अच्छा लगता है, आई होप दिस वॉज अ लिटिल आइडिया फॉर यू गाइज इज वेल, कि आप क्या लिख सकते हो, कैसे कर सकते हो एंड ऑल दैट, ओके। So yeah, this was a little July monthly board or say the planner board which I made for this month. मुझे comment section में ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा, okay? And yeah, that was it. और अभी मेरा ये book में page number कितना में पहुँच गई हूँ, या I'm in page number 60. मैं अभी ना मतलब books को थोड़ा थोड़ा करके like 2 to 3 chapters a day ऐसे करके read कर रही हूँ, okay? Like I'm not trying to be like totally trying to finish a book in a day. अब मतलब you know like धीरे धीरे करके मैं books को you know read कर रही हूँ, okay? और यार ये हो गया है मेरा planner, ये हो गया। और फिर दूसरी बात क्या था, हाँ another thing I yeah it's also kind of like लेट लंच तो क्या बोलूँ, मतलब स्नैक्स बोलते हैं ओके। और अभी मैंने मेरे आगे ना कुछ स्नैक्स है विच आई एम सो एक्साइटेड टू ईट ऑल्सो ओके। आई हैव ऑल्सो मेड माई सेल्फ टी, एक्चुअली नॉट जस्ट माई सेल्फ बट पूरा मतलब फैमिली के लिए ही चाय बनाया, सब लोग ने स्नैक्स वगैरह खा लिया है। बट सिंस आई वॉन्टेड टू यू नो फिल्म इट फॉर माई व्लॉग ओके, मैंने सोचा कि मैं लास्ट में खाती हूँ ओके okay? तो या मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। सो माई डैड गॉट मी बिंगो टेढ़े मेरे, और फिर हमने घर में थोड़ा सा चिप्स भी बनाया था ना, तो ये चिप्स रिमेनिंग चिप्स है, और फिर ये बिंगो मैंने ऐसे बोल में डाल दिया और इसको अभी मैं खाऊंगी चाय के साथ। ओह माई गॉड, ये हमारा है बटर सॉल्ट टी है ना, इसके साथ मैं अच्छे से खाऊंगी। एंड आउट हियर यू गाइस कैन इवन सी आई हैव गॉट ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर एंड बनाना ओके। ये बनाना को मैंने थोड़ा सा गरम पैन में रख दिया था तो इसका कलर थोड़ा काला काला हो गया है, बट या आई एक्चुअली मेड दिस फॉर माय फैमिली एज लेट लंच और या फिर स्नैक्स ऐसे कुछ बोल लो ओके। तो गाइज वैसे तो लाइक यू नो हमारे घर में ऐसे फैंसी थिंग्स लाइक यू नो ब्रेड पीनट बटर ऐसे ज़्यादा नहीं खाते, खाते भी है तो इट्स जस्ट लाइक मी और माई ब्रदर है ना। बट देन हमारे पेरेंट्स तो दे प्रीफर टू ईट लाइक क्या बोलूँ लोकल फूड ओनली, लाइक राइस वगैरह ये खाते और फिर चाय के साथ मतलब ज़ेरो खाबजे बियासू ऐसे ही खाना प्रीफर करते हैं ना। बट देन आई थिंक वन डे आई थिंक आई डोंट नो मे बी लास्ट मंथ और बिफोर पर इस साल में ही I just made like this bread, peanut butter and banana ka combo, and I gave it to my dad also, no, and he really liked it. Okay, so you know वो ही मतलब ना खुद bread banana ऐसे ढूंढ के ले आते हैं, and he's like you know when I ask him like what do you want to eat for lunch, and he's like oh make me that bread banana or peanut butter का thing, okay, so yeah. I make it for him every time है ना। तो आज भी मैंने बनाया था आई थिंक 7 या 8 पीस बनाया होगा, तो my dad, brother, mom and all they had it with tea, और अभी यहाँ पे एक बच गया है ये मैं खाऊंगी। तो या दिस इज गोइंग टू बी माई स्नैक एज वेल एज लंच तो नहीं मतलब लेट लंच स्नैक्स ऐसा कुछ, बट या आई एम जस्ट गोइंग टू ईट दीज एंड या थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं एंड आई विल टॉक विद यू गाइस आफ्टर सम टाइम।